हम बात कर रहे हैं पीएनबी की, पंजाब नेशनल बैंक की। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो हमको इसमें गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। हम देख सकते हैं कि 82 के लेवल से स्टॉक ने गिरावट दिखाई और 67 के लेवल से हमको बाउंस बैक होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। 67 के लेवल पे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका इस वक्त स्टॉक जहाँ पर क्लोजिंग दिया है, हम देख सकते हैं कि इसका एक रेजिस्टेंस जोन ही है। इससे पहले यहाँ सपोर्ट लिया करता था स्टॉक। हम देख सकते हैं कि 74 के लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट किया है, 82-83 तक के टारगेट दिखाए। जब गिरावट आई है तो 74 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ हमको नज़र आ रहा है। ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब काम करने वाला है रेजिस्टेंस का। 74 के लेवल का रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अभी अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक 72.50 के लेवल पर बार बार सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। 72.50 के लेवल पे इससे पहले भी स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लेता हुआ हमको नज़र आया है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो वैसी कंडीशन में इसका रिसेंट लो 67.50 यहाँ तक की हमको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अभी इतनी गिरावट आना मुश्किल है क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड बदल चुका है। अब स्टॉक अपने पॉजिटिव ट्रेंड में ही कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। आने वाले दिन में 74 के लेवल को इसका रेजिस्टेंस जो है 74-75 का लेवल, इसको ब्रेकआउट दे सकता है 75 के लेवल को। जैसे स्टॉक 75 के लेवल को ब्रेकआउट देगा, अपना पहला टारगेट बनेगा 80 का लेवल। और 80 के लेवल को ब्रेकआउट देगा तो इस दफ़ा हमको 100% के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में पीएनबी में नज़र आ सकते हैं। पोजीशन बनाए हुए तो 67.50 के ऊपर जब तक है इसमें होल्ड करके चला जा सकता है। अपसाइड के चांस इसमें नज़र आ रहे हैं।